हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं पायल आज आपको बता रही हूँ जन्माष्टमी की क्या तैयारियाँ हुई हैं और क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ माधव लल्ला लड्डू गोपाल जी के लिए क्या लेकर आई हूँ मैं। तो ये हैं सोने के इयररिंग्स, उनके लिए बूंदे बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही क्यूट से हैं ये। इसके अंदर नग जड़ा हुआ है और साइड में छोटी छोटी सी घड़त की हुई है। पीछे से ये थोड़ा मोटा सा तार लगा हुआ है जिससे आसानी से मैं उनको पहना सकूं और ये निकल भी ना सके। बहुत ही प्यारे से और बहुत ही लाइट वेट लगे मुझे डेली मैं उनको पहनाने के लिए, तो मैं उनके लिए लेकर आई और ये बहुत ही अच्छे लगे हैं। जब हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर कुछ उन्हें गिफ्ट में देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत अच्छा लगता है उन्हें कुछ गिफ्ट में देते हैं तो एक बार देखा जाए तो हम उनको क्या देंगे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन जब हमारे लिए, जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए कोई टॉफ़ी लेकर आए हैं और वही टॉफ़ी हमारा बच्चा उसमें से थोड़ा सा तोड़कर हमें खिलाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान जी जब हमें सब कुछ देते हैं तो उनमें थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सा समय निकालकर हमें उन्हें कुछ देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आ जाते हैं हम बांसुरी पर। बांसुरी बहुत ही सुंदर सी है, पूरी चांदी की बनी हुई है और जहाँ बांसुरी की डंडी है वहाँ पर बहुत ही सुंदर सी घड़त हो रखी है और एक पीकॉक मोर बना हुआ है। मोर के अंदर मीनाकारी की गई है और एक छोटा सा घुंघरू भी इसके नीचे लटक रहा है। तो आपको ये बांसुरी और इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, मुझे ज़रूर बताएं। और अब आ जाते हैं हम आगे की ज्वेलरी पर, देखते हैं आगे ज्वेलरी कैसी तैयार हुई है और क्या मैंने लिया है। तो मैंने ली है मोर पंख जैसी कलंगी ली है जो कि डायमंड की बनी हुई है और कुछ हार लिए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से हार हैं। ये हार देखिए पीले कलर के अंदर हैं क्योंकि मैं माधव लल्ला को पीले कलर की पोशाक पहनाने का सोच रही हूँ। बहुत ही सुंदर सा ये हार है और ऐसा हार आपने ऑरेंज कलर का देखा होगा मेरे पास, वैसे ही डिज़ाइन का है ये, लेकिन ये पीले कलर में है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। और देखिए ये कितना प्यारा सा है, एक नीचे एक पल लटक रहा है जो इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। और ये कलंगी है जो कि मैं आपको बोल रही थी, बहुत ही सुंदर सी कलंगी है। इसे इयररिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इयररिंग्स के पर्पज़ से भी। और ये बहुत प्यारी है, ये मेरे को 30 रुपये में मिली है और वो हार मेरे को 60 रुपये में मिला है। और ये बहुत ही सुंदर सी है, देख लीजिए इसमें भी मीने का काम हो रखा है, डायमंड का काम हुआ है और बहुत ही प्यारी सी ये कलंगी है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ रानी हार, बहुत ही सुंदर सा रानी हार है, ये रेड कलर का रानी हार है, बहुत ही प्यारा सा है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 40 रुपये है और बहुत ही सुंदर सा है। इसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसके अंदर ये है कि धागा दे रखा होता है, आप लगा सकते हैं धागा और झट से भगवान जी को पहना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा रानी हार है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, इसमें फ्लावर भी दे रखा है, ऊपर के कोने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा ये रानी हार बना हुआ, तीन लड़ों में ये हार बना हुआ है और बहुत ही प्यारा सा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुंदन हार सेट जो कि मैंने लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी के लिए लिए हुए हैं। और जो इनके जो इयररिंग्स थे उनका मैंने शॉर्ट हार कट करके और कटर से और इनको सेट करके बनाया है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, पहनने के बाद में और ही सुंदर सा लुक आने वाला है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हार बने हुए हैं, लॉन्ग तो बना हुआ ही था, शॉर्ट हार मैंने बनाया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसी के साथ ये दोनों दो जोड़ी हैं लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी के लिए, एकदम एक जैसा बनाया है। और ऐसे ही मैंने माता जगदम्बा के लिए भी पिंक कलर का हार लिया है, कुंदन में है ये सेट,
दोनों सेट कुंदन में है और तीनों सेट भी पिंक वाला को मिलाकर तीनों सेट कुंदन में है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी क्वालिटी है और पहनने के बाद में और ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो ये इसकी MRP 150 रुपये है, 150 रुपये है कुंदन में। और बहुत ही प्यारी सी ये मैंने इसको कटर से और प्लास से सेट करके इनको मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन चुके हैं। और पीछे से मैंने ऊन का धागा डालकर इसको सेट कर दिया है। और ऐसे ही मैंने मैचिंग की चंद्रिका बनाई है, बहुत ही सुंदर सी ये चंद्रिका है। और इसी के साथ दो सेट और हैं गोल्डन कलर के, ये भी आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारे सा है ये। ये लड़ों लड़ों में होता है और दिखता तो बहुत प्यारा सा है, पहनाने के बाद में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें लड़े होती हैं बहुत सारी, लेकिन पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो देखिए ये इतना प्यारा सा है, इसमें वाइट कलर के स्टोन है, जड़ाऊ किए हुए हैं और पूरा गोल्ड और इस तरह का बना हुआ है। और दूसरा हार भी इसी तरह का है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिया कीजिए। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।